इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के मूवमेंट सेक्शन का लेसन 1 पार्ट 1 यानी कि द लॉस्ट चाइल्ड। इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। अगर आप चाहते हो कि आप इससे पहले बी हाइव यानी जो प्रोज सेक्शन है उसका वीडियो चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। वो आप वीडियो की डिटेल में जाकर लिंक ले सकते हैं। चलिए अब वर्ड मीनिंग बात करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब होता है त्यौहार। स्प्रिंग मतलब होता है सावन, सावन का महीना होता है ना वो। विंटर मतलब ठंडे या ठंडा मौसम। नैरो मतलब सकरा, नैरो मतलब क्या होता है सकरी, गली या सकरा। फिर लेन मतलब गली तो आपको पता ही है। एले मतलब गलियां, जब ढेर सारे लेन हो जाते हैं उसको हम एले करते हैं। एमर्ज मतलब किसी चीज़ में उभरना, इसमें ये उभर गया तो बोलते हैं ही इज़ एमर्ज्ड, ठीक है इस तरीके से। गैली मतलब होता है खुशी से, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, वो खुशी से नाचने लगा। इन गैली ही स्टार्टेड डांसिंग, ऐसे बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद जो वर्ड मीनिंग वो है क्लैड ह्यूमैनिटी। देखो ह्यूमैनिटी मतलब होता है एक ग्रुप, लोगों का ग्रुप, है ना। क्लैड मतलब वह है पूरा समूह, तो लोगों का ग्रुप अर्थात जन समुदाय। फिर वॉक्ड मतलब चला। फिर रोड क्या है, राइड का सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब होता है सवारी किया। कैरीड क्या है, कैरी का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है कुछ ले जाना, तो वही लिखा है ले गया। बुलक कार्ट ये तो आपको पता होगा, बैलगाड़ी। फिर ब्रिमिंग ओवर मतलब होता है हंसी से भरपूर, मतलब पूरा सब कुछ हंसनुमा वैसे। लाफ्टर मतलब हंसी है तो आपको पता ही होगा। लैग्ड मतलब होता है छूट गया, जब कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको बोलते हैं लैग्ड, से अरे मेरा सामान छूट गया, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो लैग्ड, ठीक। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षित, जब कोई चीज़ आपको आकर्षित लगती है यानी कि वो फैसिनेटिंग होगी। हरीड मतलब जल्दी से या जल्दी में, ठीक। टूवर्ड मतलब की ओर, किसी की ओर आप जाते हो, किसी चीज़ की ओर, किसी व्यक्ति की ओर आप टूवर्ड लगाते हो। ओबीडियन मतलब होता है आज्ञाकारी, हम नॉर्मली एप्लीकेशन या लेटर में लिखते हैं प्रिंसिपल को जब लिख रहे होते हैं। स्टिल मतलब तक या भी। लिंगरिंग मतलब चिपके रहना या टिके रहना। रिसीडिंग मतलब होता है छूटते हुए, है ना, कई चीज़ें छूटते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ऐसे। सप्रेस मतलब होता है दबाना, जबकि जिसको आप दबाते हो, है ना, जैसे स्प्रिंग को दबाते हो तो आप सप्रेस कर रहे होते हो, उसको क्या कर रहे होते हो, दबा रहे होते हो, ठीक। इसके बाद जो वर्ड है वो है प्लीडेड, प्रार्थना किया। नॉर्मली हम प्रार्थना करते हैं, जब ज़्यादा प्रार्थना करते हो तो प्लीडेड बोलते हैं, नॉर्मली प्रे भी बोल सकते हो। लुक्ड मतलब देखा। रेड आइज मतलब होता है गुस्से से, आँख लाल कब होती है, जब हम गुस्सा होते हैं तब। फिर लिखा है टायरेंट वे, टायरेंट मतलब था क्रूर राजा के तरीके से या क्रूर राजा की तरह, ठीक। टायरेंट मतलब होता ही है क्रूर राजा। मेल्टेड मतलब पिघली हुई या पिघल गई। स्प्रिट मतलब आत्मा। टेंडर मतलब कई सारे मीनिंग होते हैं लेकिन यहाँ मतलब है मुलायम या सॉफ्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले होता है, लेकिन जब किसी के सामने की बात करें तो हम यूज कर सकते हैं बिफोर मतलब सामने। बिफोर मतलब क्या होता है, सामने, ठीक। अभी हम पैराग्राफ में देखेंगे। फिर बात करते हैं फ्लावरिंग, फूलों से भरा हुआ, इसका मतलब होता है। पेल मतलब क्या होता है, ये रंग होता है, इसका मतलब पीला, पीले रंग का या पीला। स्वेप्ट मतलब सोया हुआ, सो गया या सोया बोलते हैं ना, वो सो गया, वो सोया हुआ है ऐसे। ड्रैगन फ्लाइज मतलब चीर, इसका फोटो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है तो समझ जाओगे कि ड्रैगन फ्लाइज क्या होते हैं। बस्टलिंग मतलब होता है शोर शराबा होता है ना, तो बस्टलिंग बोलते हैं उसको। फिर लिखा है गॉडी मतलब चमकीले या चमकदार, ठीक। फिर इंटरसेप्टिंग मतलब होता है की आशा में, या बोलते हैं ना मैं तो इसके आशा में थे, ये तो कुछ अलग हो गया, तो वो इंटरसेप्टिंग वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में। फ्लाइट मतलब आपको पता ही है, फ्लाइट मतलब उड़ान। फिर इसके बाद लिखा है लोन मतलब क्या होता है, अकेले, ठीक। फिर स्वीटन मतलब होता है मधु यानी कि मीठा। फॉलोड मतलब किसी चीज़ का पीछा करते हो, तो बोलते हैं मैंने उसका फॉलो किया, मैंने उसका पीछा किया वैसे। फिर गेज मतलब होता है ध्यानपूर्वक नज़र, यानी कि जब कोई चीज़ अगर आप ध्यान से देख रहे होते हो तो आप गेज कर रहे होते हो। टेल मतलब होता है जब तक, हम यूज़ करेंगे। स्टेल मतलब स्थिर, एकदम खड़ा होना, एकदम स्थिर, आप हिले उलो नहीं हो, बस बैठे हो या खड़े हो कैसे भी हो। कैच मतलब पकड़ना, जब कोई जब पकड़ते हो तो उसको बोलते हैं कैच। फिर फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, जैसे जब कोई पंछी को हम पकड़ते हैं तो क्या करता है, वो फड़फड़ाता है ना, तो वही फ्लटरिंग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो वर्ड है वो है फ्लैपिंग, मतलब हिलाते हुए, ठीक। कॉट मतलब पकड़ा, कैच का सेकेंड फॉर्म। फिर लिखा है कॉशनरी, कॉशनरी मतलब होता है
चेतावनी भरी, चेतावनी से है ना, बोलता उसने बड़े चेतावनी तरीके से मुझे समझाया। फुटपाथ मतलब पैदल पथ, यहाँ पर पैदल लोग चलते हैं है ना, पगडंडी से बोलते हैं। शेड मतलब छाया है, सैट मतलब बैठ गया, सिट का सेकंड फॉर्म है, रैन मतलब दौड़ा ठीक, और बिहाइंड मतलब पीछे। जबकि कोई चीज़ पीछे होती है तो हम क्या यूज करते हैं, बिहाइंड, और सामने होती है तो बिफोर यूज करते हैं, फ्रंट भी यूज करते हैं और बिफोर भी, दोनों यूज कर सकते हैं ठीक। फिर बात करते हैं लास्ट के कुछ वर्ड हैं, वो हैं लाइन मतलब पंक्तियाँ या पंक्ति, पंक्ति में लग गया बोलते हैं ना, उसने पंक्ति में लग गया तो उसके बोलते हैं। फीट मतलब पैर, वेट मतलब इंतजार करना, अब वे इंतजार करते हो लोगों का ना वो। फिर डिज़ायर मतलब इच्छा, और रिफ्यूज़ल मतलब मनाई, जब कोई चीज़ आप बोलते हैं पापा से, पापा ये करेंगे वो करेंगे, पापा मना करते हैं तो पापा आपको रिफ्यूज़ल दे रहे हैं ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपके कुछ वर्ड मीनिंग, जो अभी हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें ये सब वर्ड मीनिंग आएंगे और आएंगे, तो वो कुछ जो आपको नगे नहीं आते तो मैं पैराग्राफ में बता दूंगा ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक जरूर खोल के इसको मैच कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कॉपी से ठीक है ना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन यानी कि हिंदी अनुवाद। बुक होगा तो बुक प्लीज़ खोल लीजिए, नया बुक जो अभी नया नया है वो ठीक। अदरवाइज अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो उससे भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ना। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये है आपका लेसन नंबर 1 जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से मूवमेंट सेक्शन का, यानी कि सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ठीक है। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं, जितना इंपॉर्टेंट है नहीं बस, लेकिन उनके बारे में जान जाएं तो ताकि अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि वो किस प्रकार की स्टोरी लिखते थे ठीक है। तो लिखा है मुल्क राज आनंद वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905, मतलब मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को हुआ था इन पेशावर। पेशावर कहाँ है? अब पाकिस्तान में, उस समय इंडिया में था, अब कहाँ है? पाकिस्तान में। लिखा है नाउ इन खैबर पख्तूनख्वा, सॉरी पख्तूनख्वा बोलते हैं इसको, पख्तूनख्वा उर्दू वर्ड है, पाकिस्तान लिखा है ना कौमा पाकिस्तान, तो अब ये पाकिस्तान में है। ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, वो खालसा कॉलेज में पढ़े अमृतसर में जो था, एंड देन मूव टू इंग्लैंड, और वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड, वेयर ही अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जहाँ पर उन्होंने अटेंड किया यानी कि उन्होंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, एंड देन अर्न अ पीएचडी, फिर उन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री उन्होंने ली फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी, जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब दुनिया का अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटी निकालें आप फेमस और ओल्ड और ग्रेट, तो आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा ठीक है। तो उन्होंने पीएचडी डिग्री कहाँ ली? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। ही वॉज अगेंस्ट द रिगिडिटी ऑफ इंडिया, रिगिडिटी मतलब होता है वो जो चला आ रहा है ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा था है ना, जो बहुत ख़राब था, तो उसके खिलाफ थे वो, एंड दिस वॉज द सब्जेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट नॉवल, और इसी लोगों का जो पहला नॉवल उन्होंने लिखा था वो लिखा था इसी पे, अनटचेबल है ना, जो छुआछूत का प्रॉब्लम होता था है ना, तो उसमें आप देखते होंगे। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, वो अपने शॉर्ट स्टोरी यानी सप्लीमेंट्री से बोलते हैं, उसके लिए भी फेमस थे। ही वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण, उन्हें पद्म भूषण मिला, कितनी बड़ी बात है, पद्म भूषण उन्हें मिला था। आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर 2004, ये अभी 2004 में जाके मरे, मतलब लगभग 99 साल होने के बाद, एट पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ठीक है, 98 ईयर के मतलब लगभग थे वो, 99 चल रहा था उनका। अब चलते हैं आगे, ये वाला पढ़ते हैं अबाउट द स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलेगा स्टोरी में क्या है। लिखा था चाइल्ड इन द स्टोरी इज गोइंग टू द फेयर विथ हिज पेरेंट, जो बच्चा है वो अपने पिता के मतलब अपने माता पिता के साथ जा रहा है, गोइंग टू मतलब जा रहा है, फेयर मतलब यहाँ मतलब है मेला, तो अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा है? मेले में। ही इज़ हैप्पी एंड इज़ एक्साइटेड टू सी सच अ लार्ज क्राउड मूविंग टूवर्ड द फेयर, ठीक है, वो हैप्पी है, वो खुश है, एंड एक्साइटेड और उत्साहित है टू सी सच अ लार्ज क्राउड,
देखने के लिए, टू सी मतलब होता है देखने के लिए, इतने बड़े क्राउड को देखने के लिए, इतनी बड़ी भीड़ को देखने के लिए वो एक्साइटेड है, वो उत्साहित है, मूविंग टूवर्ड द फेयर, और वो फेयर मतलब मेले की तरफ जा रहा है खुशी हो खुश होकर, ऑन इज वे टू द फेयर मतलब मेले की तरफ जाते हुए, एंड इन द फेयर इट्सेल्फ और मेले में भी, मेले की तरफ जाते हुए और मेले में भी, ही सी शॉप्स ऑफ टॉय, वो देखता है किसके शॉप्स ऑफ टॉयज मतलब खिलौनों की दुकान देखता है, स्वीट्स मिठाइयों की दुकान देखता है, बैलून और बैलून मतलब कि गुब्बारों का दुकान देखता है, इटीसी और कई सारे दुकानों वो देखता है मेले से, जब मेले की तरफ वो जा रहा था तो सड़कों पे ढेर सारी दुकानें ऐसे लगी थी और मेले में भी ऐसी दुकान लगी थी। तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ, आखिरी का जो लिखा है, ही वॉन्ट टू बाई ईच एंड एवरी थिंग, वो चाहता था कि वो सब कुछ खरीद लें। ऐसा हम भी बचपन करते थे, अगर हम भी कहीं जाते हैं तो हम भी क्या करते थे, हमेशा मम्मी पापा से कहते मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, पापा वो ले लो, भैया ये ले लो, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना, बोलते थे बचपन में। तो वही लिखा है कि वो जो वो छोटा था तो वो भी यही कर रहा था, वो भी सब कुछ खरीदना चाह रहा था, ईच एंड एवरी थिंग मतलब सब कुछ। बट हिज पेरेंट डोंट लेट हिम हैव एनी, पर उसके जो पिता माता पिता थे वो कुछ उसे लेने नहीं दे रहे थे। डोंट लेट मतलब होता है किसी को कुछ कहें, कुछ अनुमति देकर कुछ कहना कि भाई ये कर लो वो कर लो, जाओ पढ़ लो जाओ खेल लो, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। बट हिज पेरेंट डोंट लेट हिम हैव एनी, पर उनके माता पिता उसे कुछ नहीं लेने दिए। मे बी बिकॉज ऑफ देयर बींग वेरी पुअर, और शायद इसलिए ऐसा उन्होंने किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, कौन, बच्चे के माता पिता, ठीक, इसीलिए उन्होंने कुछ उसे लेने नहीं दिया। बट वैन ही इज़ लॉस्ट इन द फेयर, पर वो जो फेयर मेले में गुम हो जाता है जिसकी जिस पे ये स्टोरी बनी है, ही नीड्स नथिंग एल्स, एल्स मतलब होता है कुछ और, ठीक है, तो लिखा ही नीड्स नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं चाहता था बट हिज पेरेंट्स ओनली, ठीक है, तो वो कुछ नहीं चाहता था अपने माता पिता के अलावा, ठीक है, वो सिर्फ अपने माता पिता चाहता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता था, इसका मतलब ये है। लास्ट लाइन लिखा है, अ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ वेरी ब्यूटिफुल डिपेक्टेड, जो बच्चे की मानसिकता होती है ना, मानसिकता होती है, वो कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे डिपेक्ट किया गया है स्टोरी में, ये बताया गया है, ठीक। तो ये है आपका छोटा सा एक तरीके नरेशन की स्टोरी में क्या है लिखा, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस समझना है। लिखा है, अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, अब बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ जाता है मेले में, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, एंड एक्साइटेड और उत्साहित भी है, एंड वॉन्ट द स्वीट्स एंड टॉय डिस्प्लेड देयर, डिस्प्ले मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो जो भी उसे दिखाई दे रहा है खिलौने या क्या कहते हैं स्वीट मतलब मिठाइयाँ, वो सब खरीदना चाह रहा है वो, ठीक है। बट हिज पेरेंट डोंट बाई देम फॉर हिम, फॉर हिम मतलब उसके लिए, पर उसके माता पिता उसे कुछ खरीदते नहीं हैं उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज वैन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, वाई मतलब क्यों, देन डज ही रिफ्यूज, तब वो मना क्यों करता है, वैन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कोई और उसे ऑफर करता है बेटा ये ले लो वो ले लो, तो वो क्यों नहीं लेता है, जबकि वो माता पिता से बार बार कहता है कि मम्मी ये दिला दो पापा ये दिला दो, पर कोई और जब उसे ऑफर करता है तो वो क्यों नहीं लेता है, तो यही स्टोरी इसमें समझनी है, ठीक। चले पढ़ते हैं, तो स्टोरी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, चलिए अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ईजी हो। क्या लिखा है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वह सावन के मौसम मतलब सावन के महीने का त्यौहार था, यहाँ सावन का त्यौहार बोलते हैं, सावन का मेला कहते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन एंड एले एमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, सबका पहले वर्ड समझा दे रहा हूँ, विंट्री शेड मतलब होता है ठंडा छाया, नैरो लेन मतलब होता है सकरी गली, एंड एलीज मतलब एक गलियाँ होती हैं, एमर्ज मतलब होता है उभरना या दिखना, अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, बहुत सारी चमकीले यानी कि खुशमिजाज और खुश इंसान, क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब भीड़, तो जो लोग भीड़ है वो खुश है, सिंपल। अब देखिए मतलब पूरा समझाते हैं, फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन,
पतली गलियों की जो छाया होती हैं, ठंडी छाया, वहाँ जो दिख रहा है कि वो लोग वहाँ पर क्या हैं, ढेर सारी भीड़ जो है वहाँ पर खड़ी है, चमकीले कपड़े या खुश होकर वो लोग खड़े हैं। ठीक, तो समझ में आ गया, फिर समझाता रहा हूँ। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लैंड्स एंड एले एमर्ज द गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, ठंडे मतलब सकरे गलियों के ठंडे छायों से, एंड एले एमर्ज वहाँ पर, और जो गलियाँ हैं उस पर क्या है, जो ढेर सारे जो एमर्ज मतलब उभरे हुए हैं लोग दिख रहे हैं, अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, ढेर सारी भीड़ दिख रही है, खुशनुमा भीड़ या चमकीली भीड़ कह सकते हैं दिख रही है। अब आगे लिखा है, सम वॉक्ड, कोई चला, मतलब वो ऐसा दिख रहा है कोई चल रहा है, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कोई घोड़े पे बैठा हुआ है सवारी कर रहा है, अदर सेट, और कोई जो है वो बैठे हुए हैं, बींग कैरीड इन बम्बू, जो कैरी हो रहे बम्बू पे, यानी कि बांस के जो बल्लियाँ होती हैं उस पर। ठीक है, कई लोग होते हैं ना जो बूढ़े जाते हैं तो उनको उठा के ले जाया जाता है, एंड बुलक कार्ट, और बैलगाड़ियाँ उस पर लोग जा रहे हैं। फिर आगे लिखा है, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पापा के पैरों से यानी कि पैर के बीच से वो दौड़ता हुआ बच्चा जाता है, ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, खुशियों से भरा, ब्रिमिंग ओवर मतलब होता है खुशियों से भरा, अपन जीवन मतलब जीवन जीने वाला और हंसने वाला जो बच्चा दिख रहा था, जो बहुत खुशनुमा था, बहुत खुशियों से भरा था, वो दौड़कर अपने पापा के पैर से गया। ठीक है, कहाँ गया, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, पहले हम देखिए इंग्लिश मीनिंग समझेंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले अगर आप इंग्लिश समझ जाओगे तो आपको हिंदी समझने में ज़्यादा आसानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर हिंदी में हम समझने की कोशिश करेंगे। राजीव प्रकाशन की ये बुक है। लिखा है, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट, उसके माता पिता उसे बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ, क्योंकि दौड़ के भाग रहा होता है तो उसको बुलाते हैं, जैसे हम भी दौड़ के भागते हैं मेले में, तो हम छोटे होते हैं तो मम्मी बुलाती है ना, या पापा बुलाते हैं, इधर आओ इधर आओ, उधर मत जाओ, खो जाओगे, ऐसे। कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग्ड बिहाइंड, ऐसा कि वो पीछे छूट गया था, लैग्ड बिहाइंड मतलब होता है बिहाइंड मतलब पीछे, लैग मतलब छूट जाना, कि वो पीछे छूट गया था, फैसिनेटिंग बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, और वो छूट क्यों गया था, क्योंकि वो आकर्षित हो गया था, किससे आकर्षित हो गया था, वो खिलौने से आकर्षित हो गया था, जो इन द शॉप, जो कहाँ थे, दुकानों में थे, दैट लाइन द वे, जो लाइन से दुकान जो थे वहाँ पर जो टॉयज थे खिलौने, तो उससे वो फैशनेट हो गया था, आकर्षित हो गया था, इसलिए वो दौड़ कर वहाँ उधर भागा था, और फिर उसके माता पिता से बुला रहे थे। समझ में आ गया, दूसरी लाइन लिखा है, ही हरी टूवर्ड हिज पेरेंट, वो तुरंत जब मम्मी पापा ने बुलाया तो वो तुरंत अपने मम्मी पापा के पास आ गया, टूवर्ड मतलब की ओर, हरी मतलब जल्दी से अपने माता पिता की तरफ वो आ गया, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, जो उसके पैर थे वो उसके आज्ञा को मानने वाले थे, जो 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 भी बोल रहा था कि भाई चलो मम्मी बुला रही हैं या पापा बुला रहे हैं, तो वो जो उसके पैर थे वो उसके आज्ञा मानकर वहाँ पे चले गए। ठीक है, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, उसके पैर तो उसकी बात मान गए, वो मम्मी की तरफ पापा की तरफ आने लगा, लेकिन जो उसकी आँखें थी स्टिल लिंगरिंग, वो अभी भी चिपकी हुई थी, यानी अभी भी लगी हुई थी ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जब जा रहा था, सिंपल अब गैस करो, अब कोई दुकान है, दुकान से आगे बढ़ते हो तो दुकानों को पीछे दिखती ना, दुकान पीछे हो गई, तो वही लिखा है कि ऑन द रिसीडिंग टॉयज, वो जो खिलौने जो पीछे छूट रहे थे वो उसके आंखें उधर ही ध्यान दे रही थी, और उसके जो पैर थे वो उसके आज्ञा मानकर अपने मम्मी पापा के पास जा रहे थे। ठीक है, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट, देखिए क्या लिखा है, एज ही केम, जैसे ही वो आया, टू वेयर दे हैड स्टॉप, कौन, उनके माता पिता, दे यहाँ यूज हुआ है उनके माता पिता के लिए, उसके माता पिता के लिए, जो उसके माता पिता जहाँ पर रुके थे, टू वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करने के लिए, कि जैसे कोई बच्चा छूट जाता है पीछे तो मम्मी पापा एक जगह खड़े जाते हैं, फिर एक जगह खड़े होकर बुलाते हैं, यानी कि चल रहे हैं, खड़े जाते हैं फिर बुलाते हैं, जब बच्चा आपके पास आ जाता है तब आगे बढ़ते हो ना, तो वही जो उनके माता पिता थे वे लोग जहाँ खड़े थे वहाँ जब वो पहुँचा, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, सप्रेस मतलब दबाना, डिज़ायर मतलब इच्छा, हार्ट मतलब दिल, तो अपने दिल की जो इच्छा थी उसको वो दबा नहीं पाया, इवन द थॉ ही वेल न्यू द ओल्ड, ये जानते हुए, इवन थॉ मतलब होता है ये जानते हुए, ही वेल न्यू, वो जानता था
द ओल्ड मतलब जो उनके माता पिता, उसकी बात हो रही है कि जो उसके माता पिता हैं जो ओल्ड हैं जो बूढ़े हैं, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, ठंडी आँखों से मतलब सामान्य आँखों से, या ठंडी आँखें मतलब होती है सामान्य आँखें, सामान्य आँखों से जो घूरते हैं, है ना, ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, उनकी आँखों में ही रिफ्यूज़ल दिख रहा है, मनाही दिख रहा है कि भाई मना, नहीं नहीं ये खिलौने मत लो। जैसे आप भी कभी भी देखते होगे, आप बोलते हैं मम्मी ये ले लें, तो मम्मी कुछ बोलते ही नहीं है, पापा कुछ बोलते नहीं, वो आँखों से बोलते हैं। आँखों से कैसे बोलते हैं, आँखों से गुस्सा आ जाएंगे या थोड़ा आपको आँख दिखाएंगे, नहीं नहीं ये वाला नहीं दूसरा, ऐसे होता है ना। तो वही लिखा है कि जब वो ऐसा बोलता है, वो जानते हुए कि भाई ये लोग बात नहीं मानेंगे ये बूढ़े लोग, तो जो माता पिता है उनकी ठंडी आँखों से वो घूर कर, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मली हल्का सा घूर कर, वो बता रहे हैं अपनी आँखों से कि वो रिफ्यूज़ल दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद, क्योंकि वो एक ही लाइन में है, मतलब एक ही बार पढ़ेंगे। वसंत का पर्व था, मतलब वसंत का त्यौहार था, तंग गली गलियारों की शीतल छायाओं से नए भड़कीले कपड़े पहने जन समुदाय निकलता दिखाई पड़ा। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बैठे थे, ले जाए जा रहे थे बांस पर, मतलब पालकी में और बैलगाड़ियों में। एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच जीवन और हास्य से भरपूर दौड़ा जा रहा था। आ बच्चे आ, उसके माता पिता ने उसे पुकारा, जबकि वह पीछे छूट गया था, आकर्षित होकर दुकानों के खिलौने से जो कि रास्ते में लाइन से लगी हुई थी। वह अपने माता पिता की ओर लपका, उसके पाँव उसकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे, उसकी आँखें अभी भी पीछे छूटते खिलौनों पर टिकी थी। जब वह वहाँ आया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा में रुक गए थे, तब वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। तब भी जबकि वह उनकी आँखों की पुरानी ठंडी मनाही की घूर को अच्छी तरह से जानता है कि वो लोग मना करेंगे, भाई वो लोग मना कर रहेंगे, तो वो जानता है। चलते हैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ, पहले यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक ठीक है। क्या लिखा है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। ठीक है, वो उसने प्रार्थना किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए, है ना, दैट मतलब वह, मुझे वह खिलौना चाहिए, ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके जो पापा थे उसे गुस्से से उसे देखा, रेड आइड मतलब होता है लाल आँखों से, अर्थात गुस्से से देखा। इन हिज फैमिलियर ट्रायंट वे, जो उनका परिचित, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, ट्रायंट वे था, जैसे एक गुस्सैल राजा, क्रूर राजा जैसे गुस्साता है किसी भी बात को लेकर, तो जो बच्चा था वो फैमिलियर था, जबकि पापा मेरे ऐसे ही गुस्साते हैं, तो जो जब बच्चा ऐसे रिक्वेस्ट करता है तो पापा उसको देखकर गुस्साते हैं अपने पुराने क्रूर राजा के अवतार के रूप में, अवतार तो नहीं कह सकते, के रूप में, जैसे क्रूर राजा गुस्साता है वैसे वो गुस्सा रहे थे, तो वो अपने बेटे पे गुस्सा रहे थे कि भाई नहीं नहीं खिलौना नहीं चाहिए इस तरीके से। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मतलब वो जैसे दिन में खुली आत्मा होती है, वैसे ही जो उसकी माँ थी वो मेल्टेड थी, मतलब पिघली हुई थी, अर्थात विनम्र थी। ठीक है, वॉज टेंडर, वो आ गया लाइन, वॉज टेंडर, वह विनम्र थी, वो क्या थी, विनम्र थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो अपने बच्चे को फिंगर मतलब उंगली पकड़वाती है टू होल्ड, पकड़ने के लिए कि भाई बच्चा उंगली पकड़ लो कहीं खो ना जाओ। ठीक है, फिर समझाते हैं, नहीं समझ में आया होगा हम जानते हैं। लिखा, हिज मदर, उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मतलब दिन में जो इतना वो था खाली हो गई थी, उस बात से वो पिघल गई थी, अर्थात कहने मतलब वो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय महिला थी। ठीक है, वॉज टेंडर, वो विनम्र थी। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो अपने बेटे को उंगली देते हुए, अपनी उंगली देते हुए पकड़ने के लिए उंगली देते हुए, सैड मतलब कहा, देते हुए कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे, देखो बच्चे व्हाट इज़ बिफोर यू, बिफोर यह मतलब सामने, जब कोई
एक स्थिर चीज़, कोई ऐसी चीज़ को देखता है जो सामने होती है, वस्तु खासकर, उसके लिए आप बिफोर का यूज़ कर सकते हो। कब? लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। आगे लिखा है जो, मतलब ये तो माँ बोल रही है, आगे क्या लिखा है, इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड मतलब होता है कि किसका फील्ड, सरसों का, सरसों का खेत, पूरा सरसों खेत में जो पीला पीला फूल खिलता है ना, तो वही लिखा है, इट वॉज़ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो पीले रंग का जो सरसों का फूल था वो पूरे खेत में क्या था, लगा हुआ था या फैला हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो प्रतीत हो रहा था जैसे कि पिघला हुआ गोल्ड, पीला पीला होता है ना गोल्ड, सोना पीला होता है, तो जब पिघला हुआ गोल्ड होता है कि एकदम पूरा वो क्या होता है, वो चादर की तरह होता है, वैसे ही वो जो पीला जो फ्लावर है वो पूरा सरसों के खेत पर पिछा हुआ दिख रहा है। वही लिखा है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो जो फील्ड था वो क्या था, वो फूलों से भरा हुआ था, सरसों के खेत में, सरसों खेत में सरसों के फूल से भरा हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो पीला था जैसे पिघला हुआ सोना होता है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवनलैंड, इवनलैंड मतलब समान जमीन पर, समान जमीन पर वो हर जगह किसकी खेती थी, किस सरसों की खेती थी, तो हर जगह वो पीला पीला वो दिख रहा था। गेस करो कि आप गांव में हो और गांव में ऐसे खेत में सरसों का पेड़ लगा है, खेत हुआ मतलब पूरा खेत सरसों का ही है, तो जब पीला पूला फूल निकलता है कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कोई पीला चादर चढ़ गया हो। तो वहीं जो राइटर वो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पिघले और पिघला हुआ सोना बिछा हुआ है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, वह स्वेप्ट मतलब लेटा हुआ है, अक्रॉस मतलब चारों ओर, माइल्स एंड माइल्स कई किलोमीटर दूर तक, मीलों मीलों दूर तक, ठीक है, और ना गए यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें कि आपके पढ़ाने का तरीका ये सही नहीं है या इसमें कमियां हैं, तो मैं अगली बार उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखा, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। देखिए ये जो पैराग्राफ है, ये देखिए फ्लावर तक पूरा पूरा एक सेंटेंस है, तो थोड़ा इसको मुश्किल है समझाना, तो मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा पूरा लाइन समझा दूँ। तो यहाँ फिर समझाता हूँ, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग। कुछ समूह, किसके समूह, चियोर, चियोर जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, चियोर के जो कुछ फ्लाइज होते हैं वो बस्टलिंग कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे एक तरीके से, वो फड़फड़ा रहे थे, मतलब अपने हिसाब से भुनभुना रहे थे वो, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, वे अपने जो चमकीले, गॉडी मतलब चमकीले, पर्पल मतलब होता है पता ही होगा पर्पल, तो अपने पर्पल रंग में एक तरीके से बोल सकते हैं, रंग के जो उनके पंख हैं उनसे वो फड़फड़ा रहे थे। कौन? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, समूह, किसका समूह, चियोर का समूह, क्या कर रहे थे, उस खेत में फड़फड़ा रहे थे अपने पीले पंखों के साथ, चमकीले पीले पंखों के साथ। क्यों फड़फड़ा रहे थे, उसके आगे लिखा है, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस। वो इंटरसेप्ट कर रहे थे कि भाई, वो देख रहे थे कि कहाँ से जो ब्लैक बी मतलब काले भौरे जो अकेली काले भौरे हैं, वो कहाँ से फ्लाइट कर रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, और बटरफ्लाई या तितली इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, मतलब कि जो पूरे सरसों का खेत है उसमें जो फूल है वो देख रहे हैं, वो जो पूरे मतलब पूरे चियोर हैं, पूरे चियोर के ग्रुप है, वो देखना देख रहे हैं, उड़ उड़ कर देख रहे हैं कहाँ पर मधुमक्खी या तितली है जो रस ले रहा है फूलों का, क्योंकि वहाँ से वो भी रस ले सकें, इसलिए वो पूरा जो ग्रुप है वो उधर उधर घूम रहा है, पूरा खेत में घूम रहा है, फड़फड़ा रहा है। तो मैं आके यहाँ तक फिर समझा रहा हूँ कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। कुछ जो मतलब पूरा जो एक समूह था न्यूयॉर्क का, वो क्या कर रहे हैं, बस्टलिंग कर रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं या बोल सकते हैं भुनभुना रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं अपने चमकीले पर्पल
पर्पल क्या, पर्पल विंग मतलब क्या होता है, पंख में है ना, पंख से वो फड़फड़ा रहे हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो मतलब तरीके से वो आशा कर रहे हैं कि कोई ब्लैक बी, कोई काला भौरा दिखेगा कि कहीं पर बैठा हुआ फूलों पर, मतलब कि उस वाले फूल पर रस ज़्यादा है तो वहाँ वो जाकर रस ले सकते हैं। और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, या वो तितलियों को देखना चाह रहे हैं, जहाँ जो खुश मतलब जो फूलों से मधु यानी कि एक तरीके से मीठापन ले रहे हैं, ठीक है ना। द चाइल्ड फॉलोड देम, चाइल्ड बच्चा था उन्हें फॉलो किया, किसे, उन चियोर को, जो चियोर जाते हैं, चियोर को हम लोग पकड़ लेते हैं उनका, देखो उनका पंख पकड़ के हम लोग कभी खेलें, कभी उन पर रस्सी बांध देते हैं, उनके पीए मतलब जो उनकी पूछ होती है उस पर रस्सी बांध कर उन लोग को हम छोड़ देते हैं, फिर वो उड़ते हैं तो रस्सी उसके साथ उड़ती है, बड़ा पहले हम लोग बचपन करते थे, ठीक है। तो वही लिखा है कि द चाइल्ड फॉलोड देम, चाइल्ड बच्चा ने उसको फॉलो किया, उसके पीछे गया, इन द एयर हवे में, विद हिज गेज मतलब हवे में वो जो सब घूम रहे थे सब ग्रुप में, तो वो ऊपर की तरफ देखते हुए, घूर के देखते हुए, ध्यान से देखते हुए वो उनको उनकी तरफ भागा या उनकी तरफ उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम, तब तक पीछा किया जब तक उनमें से कोई एक, उड स्टिल इट्स विंग, उनमें से कोई एक अपना जो पंख है वो धीमा करे या रोक दे, स्थिर कर दे, कहीं पे रुक जाए, कहीं पे बैठ जाए, बैठ के जब वो रुक गई, ठीक है ना, तब क्या हुआ, तब तक वो बच्चा जो था उनको फॉलो कर रहा था। एंड रेस्ट, और आराम करें, यानी कि जब ढेर सारे ग्रुप में जब जाते हैं तो कोई ना कोई एक दो तितली या कुछ जो पंछी होते हैं वो खुद कहीं पे जाके आराम करने लगते हैं, तो वो तब तक पीछा करता रहा जब तक कोई एक ऐसा कोई बैठ नहीं गया, ठीक है, इंतजार आराम करने के लिए। एंड ही वो ट्राई टू कैच इट, और फिर उधर वो प्रयास कर उसने किया उसको पकड़ने का, ठीक है, वो तब तक पीछे दौड़ता रहा जब तक कोई जो और चियोर थे वो बैठे नहीं आराम करने के लिए, और फिर उसको पकड़ने के लिए उसने प्रयास किया, ठीक है। लिखा बट इट गो फ्लटरिंग, फिर जब जैसे उसने उसको प्रयास किया पकड़ने का क्या हुआ, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर When he had almost caught in his hand, almost मतलब लगभग, जब वो लगभग किसी मतलब किसी एक चोर को उसने पकड़ लिया होगा, ड्रैगन फ्लाई को उसने पकड़ लिया होगा, लगभग पकड़ने ही वाला होगा, हुआ क्या कि वो फड़फड़ाने लगी, क्या लिखा ना, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, तो वो फड़फड़ाते हुए और एक तरीके से अपने शरीर को हिलाते हुए आसमान की तरफ वो उड़ गई, कौन, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, चियोर जो होते हैं वो उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, जब वो लगभग उसको अपने हाथ में पकड़ने वाला था तभी वो फड़फड़ाते हुए उड़ गई। ऐसा कई बार होता है हम किसी को पकड़ने जाते हैं तो हमारे हाथ से छू जाते हैं, और जैसे हाथ छूते हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं और हम लोग डर के मारे पकड़ नहीं पाते और वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हुआ, बच्चा पकड़ने जा रहा था, लगभग पकड़ लिया था लेकिन उससे पहले ही वो फड़फड़ा के उड़ गए, ठीक है। फ्लैपिंग मतलब होता है एक तरीके से कांपते हुए या हिलते हुए, अब फ्लटरिंग मतलब होता है वही जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। फिर लास्ट का जो लाइन लिखा है देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी मतलब होता है चेतावनी, कॉशन होता है ना, कॉशन लिखा होता है कभी भी किसी भी दवाई पे कॉशन लिखा होता, चेतावनी लिखी होती कि भाई ये सेहत के लिए हानिकारक है, इसको ध्यान से पीजिएगा, ऐसा लिखा होता है ना, खासकर गुटखा जो होते हैं, जितने भी कैंसर रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उस पर लिखा होता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी जब वो पकड़ रहा था उन सब में से किसी एक चियोर को हमसे बोलते हैं चियोर को, तो उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरी आवाज़ में या चेतावनी भरी पुकार में बुलाया, ठीक है। जैसे हम लोग डांट के मम्मी को बुलाते हैं ना, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे थे, ऐसे होता है ना, तो वैसे यहाँ भी चेतावनी भरी आवाज़ में उसकी माँ ने उसे बुलाया, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, चलो कहाँ चले, फुटपाथ पर चले, पगडंडी यानी कि जहाँ पे पैदल लोग चलते हैं, चलो वहाँ चले, यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहे हो, चलो कहाँ चले, पैदल यात्रा करने वाली जगह पे चले, यानी पगडंडी पर चले, समझ में आ गया। थोड़ा कन्फ्यूजन था, एक दो वर्ड आपको जरूर कन्फ्यूज़ किया होगा, तो अगर आपको कन्फ्यूजन लगा है तो प्लीज़ उसको रिपीट करिए, क्योंकि अब हम हिंदी समझने जा रहे हैं, ठीक, वीडियो को आप रिपीट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है
वह मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वह खिलौने चाहिए, उसने निवेदन किया। ये बात है जब वो निवेदन करता है कि भैया मुझे खिलौने चाहिए, फिर पापा गुस्सा करते हैं, वो वाली बात। उसके पिता ने अपने परिचित क्रूर शासक के से ढंग से उसे लाल आंखों से देखा, यानी क्रोध से देखा, जैसे कि एक गुस्सेल राजा देखता है वैसे वो उन परिचित अपने परिचित अंदाज में उसे गुस्से से देखा। उसकी माता जो कि दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्वरित थी, वही मैंने कहा कि वो जैसे मुक्त आत्मा होती है तो वो एकदम फ्री थी, वे नर्म थी, यानी कि ऐसे सिंपल होता है पापा गुस्सा आते हैं तो मम्मी मनाती हैं, ठीक वैसे ही विनम्र थी। कौन? उसकी माँ। उसने उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, देख बच्चे तेरे सामने क्या है, अब देखो आगे क्या लिखा है। वह फूलों से भरा सरसों का खेत था। जब वो सामने देखा तो क्या देखता है, फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत, पिघले सोने के जैसा पीला, दिख रहा था, जबकि वो समतल धरातल पर मीलों और मीलों फैला था। तो वो एकदम जैसा लग रहा था कोई पिघला हुआ सोना है, ऐसा लग रहा था। चिऊर, ड्रैगन फ्लाई से बोलते हैं, चिऊर का एक समूह किसी अकेली काली मधुमक्खी की और या फूलों से मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ान को काटने हेतु अपने चमकीले उनाबी मतलब वही पिंक बोलते हैं, पंखों पर शोर करते हुए उड़ रहे थे, यानी फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। सब जो ग्रुप था वो उड़ रहा था, वो समूह उड़ रहा था। किस लिए उड़ रहा था हमने डिस्कस कर लिया है। बच्चे ने अपनी एक टक दृष्टि यानी कि ध्यान से देखने वाली दृष्टि से हवा में इनका पीछा तब तक किया जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंख स्थिर नहीं कर दिए। ऐसा मैंने कहा ना कि वो स्थिर करके बैठ नहीं गया और टिक नहीं गई, यानी कि वो रेस्ट आराम करने नहीं लगा, और उसने इसे पकड़ने की कोशिश की। जब वो बैठ गया, कोई ना कोई एक बैठा होगा तो उसको पकड़ने की उसने कोशिश की, लेकिन यह जब उसने उसे अपने हाथों से बस पकड़ने ही लिया था, मतलब बस पकड़ ही लिया था कि वह मतलब कि उसका पंख हिलाते हुए फड़फड़ाते हुए हवा में चली गई। वो जो ड्रैगन फ्लाई थी, एक कोई ड्रैगन फ्लाई थी, वो फड़फड़ाते हुए उड़ के चली गई। तब उसकी माता ने उसे चेतावनी भरी पुकार दी, आ बच्चे आ, पगडंडी पर चले, मतलब जहाँ पैदल लोग चलते हैं वहाँ पर चले। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ही रैन टुवर्ड्स से लेकर। आपको अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें या आप सलाह पूछें, कुछ भी पूछ सकते हो आप। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलती रहें और ग्रामर के वीडियो आपको मिलती रहेंगी नए सिलेबस की। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर कोई दिक्कत की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर रखें। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम अंत करते हैं।